नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड जूस की। तो मैं आपको बताती हूं आज की बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर करने जा रही हैं शादी, इस बिजनेसमैन की ये बनेंगे दुल्हनिया। सोनम कपूर की शादी को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जिस पर अब तकरीबन विराम लगता दिखाई दे रहा है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो सोनम कपूर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक स्विट्जरलैंड के मोंटो में शादी करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी शादी 11 या 12 मई को हो सकती है। सोनम कपूर अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी करेंगी। आनंद आहूजा दिल्ली बेस्ड फैशन व लाइफस्टाइल कंपनी के एंटरप्रेन्योर हैं। न शाहरुख न अक्षय, ये एक्टर निभा रहे हैं धूम 4 में विलेन का किरदार। यशराज प्रोडक्शंस की सफल धूम सीरीज की धूम 4 में विलेन के रोल को लेकर काफी असमंजस था। कभी अक्षय तो कभी किंग खान का नाम सामने आया था, लेकिन अब धूम 4 में विलेन का किरदार टाइगर श्रॉफ करेंगे। अगर ये खबर सच है तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि टाइगर क्या पिछली फिल्मों के विलेन जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान की बनाई लकीर को आगे ले जा पाएंगे। बाहुबली के प्रभास कर रहे हैं शादी। फिल्म बाहुबली के अभिनेता प्रभास की शादी को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं चल रही हैं। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि वह बाहुबली में अपनी को स्टार रही अनुष्का सेट्टी से शादी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को प्रभास और अनुष्का ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि प्रभास अभिनेता चिरंजीवी की भतीजी निहारिका के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं। प्रिया प्रकाश के नैन मटक्का वाले वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कहा जा रहा है कि इस्लाम में आंख मारना हराम है। वायरल गर्ल के नाम से चर्चा में आई मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उन पर मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने का आरोप है। उनके खिलाफ हैदराबाद के दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनका आरोप है कि इनकी डेब्यू फिल्म ओरू अदार लव के एक गाने में उनका आंख मारना इस्लाम के अनुसार गुनाह है। उन्होंने इसे हटाने की मांग की है। कपिल शर्मा के सपोर्ट में सामने आई भाभी जी, फैंस से की ये गुजारिश। बिग बॉस की विजेता और भाभी जी के नाम से पॉपुलर हुई शिल्पा शिंदे कपिल शर्मा का बचाव करते नजर आई हैं। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखते हुए मीडिया से निवेदन किया है कि वह कपिल शर्मा को स्पेस दें। मामला कपिल शर्मा के ट्विटर पर एक ऑडियो क्लिप में एक पत्रकार से गाली गलौज करने का है, जबकि कपिल शर्मा ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड व मैनेजर प्रीति और उनकी बहन नीति सिमोस व पत्रकार पर 25 लाख रुपए उगाही करने का मामला दर्ज कराया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे www.lokmatnews.in के साथ। तब तक के लिए टाटा।